सभापति महोदय बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर के विषय पर इस सदन में बहुत गंभीर चर्चा शुरू है। मैं इसे कश्मीर का विषय नहीं समझता, मैं इसे देश का विषय समझता हूं। भारत के आजादी के बाद थोड़ी राजनीतिक बातें होती रही, लेकिन दुर्भाग्यवश जिस तरह से कश्मीर का पुनर्स्थापन किया गया उसकी वजह से एक दीवार खड़ी रही। उस दीवार का ढांचा और मजबूत होते गया और जब हम देखते हैं आज 12 दिन हुए वहीं कर्फ्यू लगी हुई है, कौन पुरान वाणी, एक पोस्टर बॉय, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी इतनी कैसे बढ़ी? राज्य की सरकार का उसके ऊपर ध्यान नहीं था क्या? जब पता था कि हिजबुल के लोगों के साथ में जुड़ा हुआ है और जुड़ने के बाद भी लोगों के दिल में बसा जा रहा है, वहां भी जुड़ा हुआ है, यहां भी उसके दिल में बसा हुआ है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। हम जब इसकी तरफ देखते हैं तो बहुत दर्द होता है। आज बहुत सारी चर्चा हुई लेकिन नींव पे, उसके नींव पे कोई बजा नहीं रहा है। हम ऊपरी ऊपरी बात कर रहे हैं, पता है सतपत जी ने कुछ अच्छे सुझाव दिए, लेकिन पहले तो बीमारी तो सोचो, बीमारी क्या है? सभापति महोदय, हाल ही में हमारे मुंबई से 2 महीने एक लड़का वहां कुछ ट्रेनिंग के लिए क्लाइंबिंग या रॉक क्लाइंबिंग के लिए गया था, वो किसी होटल में रुका था। अब जब टीवी लगाता था तो सारी इश्तिहार आते थे लाहौर की दुकानों के, कहां क्या मिल रहा है, कहां क्या मिल रहा है। और उसने एक बात खास करके, दो जिले अनंतनाग और बारामूला का नाम तो हम बहुत 20-25 साल से सुन रहे हैं, अब तो पूरी घाटी। अब वो अनंतनाग का नाम हमने सुना कि वो आपस में उसे इस्लामाबाद कहते हैं। अब ये सच है कि नहीं, आप जरा बताएंगे? माननीय गृह मंत्री से मैं अपेक्षा करता हूं, जो लोग ये सारे सुझाव दे रहे हैं ना, तो ये जहर कौन फैला रहा है? सरकार फैला रही है। इल्जाम लगाना आसान है, हम भी लगा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। सुझाव क्या है? सुझाव, बीमारी पहले जान लो। इतनी गहरी चीज उनके दिल में गई हुई है कि वहां के अनंतनाग नाम ये हिंदुस्तानी नाम लगता है, उसका नाम बदलने की कोशिश हो रही है। वो डर गया, बोलता मैं जाने की कोशिश कर रहा था, मैंने छोड़ दिया, होटल से बाहर नहीं निकला। कौन से चैनल देखते, अभी छोड़ो 12 दिन की कर्फ्यू में सब बंद हुआ होगा। जब हम छोटे छोटे सोशल मीडिया की क्लिपिंग देखते हैं ना, बहुत दर्द होता है। जवान भाग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे हैं। एक तरफ ये बात करते हो ना, तो दूसरी तरफ ये भी ध्यान देना है, हमारे जवानों पे पत्थर मारेंगे। वो तो पिछले हफ्ते में ही, वो जो ब्रिज के ऊपर हमारे गाड़ी पर हमला हुआ जवानों के पपोर में, वहां तो सारे कितने जवान शहीद हुए। उसके बाद में फिर दोबारा 3-4 जवान तो गायब है, आज तक मिले कि नहीं पता नहीं, पुलिस मिली कि नहीं पता नहीं। तो क्या चाहते हो, नमस्कार करते बैठे? मुझे कभी कभी एक मन में आशंका आती, मैं सोचता रहता हूं 60 बरस हुए आजादी को, लोग कहते रहते चर्चा करो चर्चा करो, शांति बरकरार करो। हाँ ठीक है भैया, कौन चाहता है लड़ाई, अगर शांति बरकरार करो चर्चा रखो, 60 बरस में समस्या का निराकरण क्यों नहीं हुआ? कोई एक तो आके खड़ा हो जाए, भाई बुजुर्ग लोग यहां है, हमने शांति बरकरार कर दी थी। अब मुलायम सिंह साहब को नहीं कहा, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन वो बनी क्यों नहीं रही? वो बाद में बिगड़ गई गई, वो बनी हुई शांतता किसने बिगाड़ी? कौन है जो लोग जिन्होंने अपने इतना अच्छा प्रयास कर वहां शांतता बरकरार की, उस शांतता का भंग किसने किया? उसको भी जरा जाए ढूंढना चाहिए। कल 19 तारीख आज क्या काला दिन मना रहे हैं, मुझे तो पाकिस्तान की कमाल ही लगती है। उनके नवाज शरीफ जी आते हैं प्रधानमंत्री, वो जाकर स्टेटमेंट देते हैं, वो वहां तो अभी और दूसरा चल रहा है चुनाव है पाकिस्तान में, ये राहुल शरीफ करके कोई आ रहा है,
उससे डर कर नवाज शरीफ डर रहा है कि भैया उसमें चुनाव हार जाऊंगा तो अभी हिंदुस्तान के खिलाफ बातें कर रही है। यहाँ तो वहां तो और भी चीज है, उनकी मिलिट्री और दिग्गज सरकार, उनमें भी कोई रिश्ता अच्छा नहीं है, एक दूसरों की तरफ दिख रहे हैं, उसमें इमरान खान तीसरी तरफ दिख रहा है, वो सारे जुमले वहां चल रहे हैं, वहां अंतरिम लड़ाई चल रही है। लेकिन मुझे पाकिस्तान को इस सदन से पूछना है, शर्म नहीं आती आपको? जिस दिन वो मासूम बच्चे मारे गए, ये हिंदुस्तान था, इसी सदन में हम रोए थे, आंख में आंसू आई थी हमारे, हमने नहीं सोचा कि पाकिस्तान के बच्चे मरे। ये हमारी संस्कृति है, बच्चों को मारा आपने, तू काला दिन रखते हो भैया, 365 दिन रखो, जितने बच्चे मरे उतने दिन काला दिन रखो। महात्मा गांधी जी कहे ना, सेल्फ जो खुद को ही शिक्षा देनी है, शासन करना है, कर लो शासन, हमारे देश के खिलाफ शासन करते कौन हो तुम? हमारे कश्मीर के मामले में बोलने वाले, कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा, उसमें तुम कुछ वही नहीं है जो बोलने वाले हमारे सामने। बुरा लगता है कि हमारी ही लोग, मैं हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना करता हूं, खास करके विपक्ष को भी, भैया ऐसी चीजों पे तो राजनीति न खेले, भगवान की दया है कि आज हो सकता है इसका प्रसारण वहां नहीं हुआ होगा। अच्छी चीजें जाने के बजाय, आज सुबह भी मैंने, मुझे गृहमंत्री जी का खास अभिनंदन करता हूं, मुझे अच्छा लगा आज, पहली बार अच्छा लगा, डट के खड़े, मैं खड़ा रहूंगा जब तक तुम्हारी समस्या की बात नहीं करता, मैं बैठूंगा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। हर चीज को जाति पाति का, धर्म का आधार लेकर लड़ते हो, और सुबह आपने जो समस्या उठाई ना, थोड़ा सा बाजू हटके बोलता हूं, महाराष्ट्र में भी अत्याचार हुआ एक लड़की के ऊपर, आपको नहीं पता चला करने वाले कौन थे इसके लिए? वहां भी जात आई मन में, छोड़ दो इस विषय को, मुझे नहीं जाना इस राजनीति पे, मैं कश्मीर के विषय भी बोलना चाहता हूं। कौन हाफिज सईद, कौन अफजल? मुझे तो कभी कभी लगता है गृहमंत्री जी आप ये काम जैसे आज लगे ना वैसे राजनाथ सिंह जैसे मजल मजल वो मोसाद करता है ना इसराइल वाला, घुस के मारो इस हाफिज सईद को, घुस के मारना चाहिए हाफिज सईद। अमेरिका पुष्टी बैठी क्या लादेन के लिए? यूएन में गई नहीं? गई ना, चिंता नहीं की, हमारे देश पे हमला करता हम घुस कर तुम्हें मारेंगे। हाफिज सईद को बोलो हमारे देश के बारे में अगर बुरी तरह से देखे घुस के अंदर मारोगे तुमको। आपने तो अभी इजाजत दी मिलिट्री को, थोड़े आग भी बंद कर दो, बोले जाके आ जाओ। सभी जड़ कहाँ है पता है? जड़ यहाँ है, दो है चीजें सर, एक अंदरूनी मामले है, जैसे हमारे मित्र बैनर्जी साहब ने कहा कि माओवादी की समस्याएं हैं। सर दो तीन मिनट में खत्म करता हूँ। माओवादी की समस्या है, पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद की समस्या है, जम्मू कश्मीर में सीमा पर आतंकवाद है और देश के भीतरी भी आतंकवाद है। ये हमारा जाकिर नाइक जो पकड़े गए वो बोलते हैं कि हमारे जाकिर नाइक की भाषण की वजह से, उसके मार्गदर्शन पर हम आतंकवादी बने हैं। अरे वाह, हमारी उसकी भाषण सुन के आतंकवादी बन के हमें मारोगे? इसी में जा रहे बच्चे, केरला से गए, केरला में से जो 15 गए उसमें 3 लड़कियां हैं। कितनी शर्मनाक बात है, कितनी दर्दनाक बात है, कितनी गंभीर बात है। केरला एंड ऑफ द कंट्री, वहां से इसी में उधर गए, पता नहीं चल रहा है हम लोगों को, कितनी हिम्मत है इनमें। और मैं माननीय गृहमंत्री जी से कहूंगा, इसकी जड़ जो है ना, एक अंदरूनी मामला, एक सीमा वाला मामला, घुसपैठ पहले बंद करो। एक मुद्दा बैनर साहब का मुझे अच्छा लगा कि जो डिफेंस है, मतलब फेंसिंग नहीं है बॉर्डर पे हमारे, वो नॉर्दर्न ईस्ट में भी वही बात है, आसाम के उधर भी वही चिंता वहां भी है यहां भी है। पहली बात है घुसपैठ बंद होना चाहिए, और ये हमने जो समझौता एक्सप्रेस वर्क किया ना, उसकी जरा वापस से चिंता करो, क्या समझौता हो रहा है, हमारे यहाँ से कौन लाहौर में जा रहे हैं, वहां से कौन आ रहे हैं, हमारी दुकान वहां जा रहे हैं, वहां से माल हमारे पास आ रहे हैं, इस सारी चीजों को लेकर बंद करो। ये सब जहर फैला रहे हैं हमारे पास आकर, और हम जहर से उस जहर का स्वागत कर रहे हैं। आ जाओ भैया, कुछ बॉम्ब लेके आ जाओ, कुछ तलवारें लेके आ जाओ, तलवार तो अभी चलती नहीं है, कैनन, छोटी छोटी बातों पर हम चल जाए, दंगा होता है, होता ही होती है बात, हम भी जानते हैं, छड़ी से करो पहली बात, फिर वाटर कैनन, फिर पैलेट, फिर बुलेट, ठीक है ना भैया? जो बच्चे दंग रस्ते पे आ रहे हैं, क्या उनकी माँ बाप को नहीं लगता कि अपने बच्चे नहीं जाना चाहिए?
मैं आपको विनती करता हूं, आज जो भी कुछ भाषण करोगे ना, वो कुछ भी करें, कश्मीर के हर घर में सुनने जाने दो, ये गुंज हमारी सरकार की, हमारे देश की, हमारी एकता की कश्मीर में जाने दो और कहने दो, समझने दो लोगों को है कश्मीर के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। कृतज्ञता का भाव कश्मीर के लोगों में भी होना चाहिए। इतना बड़ा वहां जब बाढ़ आई तो यही प्रधानमंत्री थे, यही सरकार थी, इतनी राहत दी, इतनी उनको मदद कर दी, उसको भूल गए। अगर तो आप हमारे तो होते, हमने उपकार नहीं किया, हमने कर्तव्य किया है। और इसलिए मुझे लगता है इस न्यू का एक ही छोटी सी बात कहकर खत्म करता हूँ सर, एक ही एक जो बहुत कुछ बोलना था, बहुत गुस्सा आता है सच बताता हूँ, लेकिन एक ही बात करता हूँ, ये धारा 370 है ना, इसको एक बार जरा बंद करो भैया। ये अलगतावाद वहां से पैदा होता है, हम कोई अलग है। कश्मीर में दो झंडे हैं सर, मुख्यमंत्री की गाड़ी पे दो झंडे होते हैं, उनके पार में विधानसभा में दो झंडे होते हैं, इस देश का एक ही तिरंगा है, वही कश्मीर में फैल रहेगा। कौन सा झंडा पहला थे जब वो कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा ले रहे थे 14 अगस्त को? हमें बुरा नहीं लगता, हमारे विपक्षों को मेरी प्रार्थना है जरा उसके ऊपर भी छटकर बात करें, करारी बात करें, कड़वी बात करें। और इस देश की एकता के लिए मैं इस सरकार को और खास करके गृह मंत्री जी को प्रार्थना करता हूं, कलम 370 हटाओ और पाकिस्तान के इन सारे इरादे, आप जिस ढंग से जाना चाहते हो एकता के साथ में, सारे इरादे, गुरदासपुर भूलना नहीं है हमें, गर्दने काटे हम नहीं भूलते और भूलेंगे भी नहीं कभी, ऐसे कदम उठाओ, करारे कदम उठाओ मुसाद जैसे, कि पाकिस्तान भी सोचे आगे चलकर कश्मीर में क्या कभी देखेंगे नहीं, जय हिंद।